नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूं आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड अपने डिस्कशन की श्रृंखला में एचआरए से रिलेटेड टॉपिक लेकर के। निश्चित रूप से सर, वेतनभोगी वर्ग के लिए यानी सैलरीड पेड पर्संस के लिए एचआरए की एग्जम्पशन उनकी टैक्स कंप्यूटेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही साथ सर, एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एचआरए के एग्जम्पशन से रिलेटेड बहुत सारे भ्रांतियां भी हैं जो मार्केट में प्रिवेल करती हैं, तो मैं इस वीडियो के थ्रू उन पर आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न सर, जो बहुत सरल है और आप सब भी इसका उत्तर जानते हैं, एचआरए क्या है यानी हाउस रेंट अलाउंस क्या है या मकान किराया भत्ता क्या है। ये सीधी सी बात है कि यदि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के वेतन में मकान किराया भत्ता के नाम पर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, तो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन या एचआरए अलाउंस इस पूरी आगे की कैलकुलेशन में या कॉन्सेप्ट में मैं जो उसको लेकर के चलने वाला हूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 10 क्लॉज 13A के अकॉर्डिंगली उसका बेसिस है। इससे एक और व्यवस्था यहां निकल करके आती है कि यदि आप सैलरीड पेड हैं और आपको एचआरए नाम का कोई अलाउंस ही नहीं मिलता, तो सेक्शन 10 क्लॉज 13A में जो एग्जम्पशन की व्यवस्था की गई है वो आपको नहीं मिलेगा। तो एचआरए इज अ काइंड ऑफ अलाउंस विच इज ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द रेंटेड एकोमोडेशन विच एन एम्प्लॉई ऑक्यूपाइज फॉर द पर्पजेज ऑफ एनेबलिंग हिम टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस टू द एम्प्लॉयर। ये बेसिक सर एचआरए का कॉन्सेप्ट है। अब मैंने सर यहां पर आपके सामने एक प्रश्न रखा, एचआरए एग्जम्पशन क्लेम करने हेतु मूलभूत शर्तें क्या हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल कंडीशंस। पहली बात, जैसा मैंने पहले भी बोला, करदाता को एचआरए मिलता हो यानी आप एम्प्लॉई हैं और आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। यदि एचआरए ही नहीं मिल रहा तो सर एग्जम्पशन की यहां पर सेक्शन 10 क्लॉज 13A में कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरा, करदाता किराए के मकान में रहता हो, यह भी महत्वपूर्ण है सर। यदि आप स्वयं के मकान में रहते हैं तो भी आप एचआरए एग्जम्पशन के क्लेम करने के हकदार नहीं है। सो इफ यू आर रिजाइडिंग इन अ रेंटेड प्रीमाइजेस, अब बहुत सारे लोग मेरे से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाटिया जी, मेरा अपना मकान तो नागपुर में है और मैं सर्विस जयपुर में कर रहा हूं, तो मेरा अपना मकान तो है लेकिन मैं सर्विस जयपुर में कर रहा हूं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में मैं एचआरए एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकता? इफ यू आर रिजाइडिंग एट अ रेंटेड प्लेस वेयर फ्रॉम यू आर प्रोवाइडिंग यूर सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर, Naturally, sir, you can claim HRA exemption, no doubt about it. तो अब यदि दोस्तों मैं ये मान लूं कि आपको HRA मिलता है और आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आपकी दोनों बेसिक conditions पूरी हो गई। अब आप HRA exemption जो सेक्शन 10 क्लॉज 13A में दी गई है उसको क्लेम करने के हकदार हो गए। तो अब आपका HRA exemption क्लेम कैसे किया जाएगा, यानी उसका फॉर्मूला क्या है exemption का? तो यहां सर ये देखना पड़ेगा कि क्या आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में रहते हैं या आप अन्य किसी स्थान पर रहते हैं, ऐसा लॉ में लिखा है। यदि आप इन चार मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हैं तो आपका जो एचआरए का एग्जम्पशन है, वो एचआरए का एग्जम्पशन जो मिलेगा सर, वो मिलेगा नंबर वन, वास्तविक एचआरए जो प्राप्त हुआ हो वो, भुगतान किया गया किराया माइनस वेतन का 10%, या तीसरा वेतन का 50%। ये तीनों में से जो भी कम राशि आएगी सर, ये देखिए आप, तीनों में से जो भी कम हो वो आपका एचआरए का एग्जम्पशन होगा। और यदि आप इन चार स्थानों के अलावा किसी और स्थान में रहते हैं, जैसे आप पूना में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, तो आपकी जो कंडीशन है सर, है वही तीन कंडीशन जिनमें से एक मिनिमम अलाउड होगा, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड बाय द असेसी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी विच एवर इज, तीनों में से जो भी कम हो। तो ये सर हमारा एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम करने का बेसिक फॉर्मूला है। मैं इसे उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट करने की आगे कोशिश करता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे को समझना है सर, एचआरए एग्जम्पशन की गणना हेतु वेतन यानी सैलरी का मतलब क्या है। तो देखिए सर, सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ काउंटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कमीशन ऑन टर्नओवर। ये तीन चीजें मिलकर के एचआरए के पर्पजेस से सैलरी मानी जाती है, यानी कोई और भत्ता या कोई और परक्विजिट जो एम्प्लॉय को मिलती हो, अलाउंस या परक्विजिट एम्प्लॉय को जो मिलते हो, वो एचआरए कंप्यूटेशन, एचआरए एग्जम्पशन कंप्यूटेशन के पर्पजेस से सैलरी का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। यानी मैं सरल उदाहरण देता हूं, मेरी बेसिक 1 लाख
मेरा डीए 1 लाख, मेरा एचआरए 1 लाख और इसके साथ साथ अदर अलाउंस 1 लाख। ऐसा करके मान लीजिए मेरी 4 लाख रुपए की सैलरी है। तो सर जब मेरी एचआरए एग्जम्पशन क्लेम की जाएगी तो उसमें केवल मेरी बेसिक और डीए ही आएगी, इवन एचआरए भी मेरे वेतन के अंदर शामिल नहीं होगा फॉर पर्पजेज ऑफ कंप्यूटिंग एचआरए एग्जम्पशन। और जैसे मैंने बोला अदर अलाउंसेस के नाम पर भी मुझे 1 लाख मिलते हैं, वो भी सर एचआरए एग्जम्पशन के अंदर काउंट नहीं होगा। तो क्या क्या काउंट होगा सर? बेसिक सैलरी काउंट होगी, डियरनेस अलाउंस यदि वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कैलकुलेशन में शामिल होता है आपके वेतन में, और तीसरा यदि आपको टर्नओवर पर कमीशन मिलता है एम्प्लॉय के रूप में तो ये भी आपके एचआरए एग्जम्पशन की कैलकुलेशन के पर्पजेस से सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। तो दोस्तों मैंने जैसे पहले आपके सामने बात रखी कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल से एचआरए एग्जम्पशन को रखूंगा, तो यहां मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा है कि मैं 3 एम्प्लॉयज का केस लेकर के आपके सामने चल रहा हूं, एक्स, वाई और जेड। मैं मान रहा हूं सर एक्स जयपुर में रहता है, इस व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए की बेसिक, 1 लाख रुपए का डीए, 1.25 लाख रुपए का एचआरए और रेंट पेड 1,08,000 यानी 1,08,000 मिल रहा है। अब मैं इसकी एचआरए एग्जम्पशन कैलकुलेशन दिखाता हूं। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हुआ है सर 1,25,000, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। और यहां सर सैलरी में मैंने जैसे पहले बोला मैं बेसिक और डीए को इंक्लूड कर रहा हूं, मैंने एचआरए को नहीं लिया यहां पर, तो इनका 10% यदि मैं घटाऊंगा रेंट पेड में से तो आई विल गेट अ फिगर ऑफ 73,000। और तीसरा सर क्योंकि ये जयपुर का मामला है तो 40% ऑफ सैलरी अप्लाई होगा, तो ऐसी परिस्थिति में सर 1,40,000 का ये फिगर। अब इन तीनों में से विच एवर इज लेस, ये फिगर आया 73, ये एचआरए की एग्जम्पशन होगी। यानी इस एक्स एम्प्लॉय को जो इसकी टोटल सैलरी बनेगी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, उसमें से 73,000 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग पर टैक्स देना है। अब मैं सीधे आपको एक बार जेड पर लिए चलता हूं सर, क्योंकि ये कोलकाता में रहता है, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति का सर 6,75 का बेसिक, 1,55 का डीए, 3 लाख रुपए का एचआरए और 3.5 लाख रुपए एक्चुअल रेंट पेड है। तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव 3 लाख, 3 लाख, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी 2,67,000 एंड 50% ऑफ सैलरी 3,32, विच एवर इज लेस 2,67,000। सो दिस इज हाउ वी विल कंप्यूट द एचआरए एग्जम्पशन इन द हैंड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। सो मामला सिंपल है सर, केवल आपको ये चीज है कि एक्चुअल फैक्ट्स निकालने हैं एंड दोज फैक्ट्स विल एनेबल यू टू कंप्यूट द फाइनल एचआरए एग्जम्पशन। साथ पहले शुरू में ये कहा था कि कुछ एचआरए से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो मैं उसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न है, क्या एचआरए एग्जम्पशन हेतु रेंट रसीद या किराया नामा देना आवश्यक है? यानी आपने जो किराया पे किया है उसकी रसीद या किराया नामा आपके लिए एम्प्लॉयर को देना आवश्यक है? और मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ जोड़ देता हूँ, क्या इनकम टैक्स विभाग को भी देना आवश्यक है? देखिए बेसिकली सर एम्प्लॉयज के केसेस में फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और फॉर्म 16 बनाने से पहले यदि एम्प्लॉयर यानी आपका जो भी नियोक्ता है वो आपको एचआरए एग्जम्पशन तभी देगा जब आप उसे रेंट की रसीद या किराया नामा ला करके देंगे। यदि आप किराया नामा नहीं दे सकते या रेंट रसीद नहीं दे सकते तो निश्चित रूप से आपका वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर आपको एचआरए एग्जम्पशन नहीं देगा। ये बात अलग है कि आप यदि फाइनली अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरते समय एग्जम्पशन क्लेम करना चाहें तो वो अलग चीज है, लेकिन एम्प्लॉयर नहीं देगा। हाँ ये जरूर कहा गया है कि यदि आप 3,000 रुपए तक मासिक किराया दे रहे हैं तो आपको रेंट रसीट या किरायानामा देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अगला प्रश्न, क्या मैं अपने माता पिता को किराया भुगतान कर एचआरए की छूट क्लेम कर सकता हूं? एक्चुअली क्या होता है सर कि जब एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करने की बात आती है तो लोग सोचते हैं अच्छा चलो मैं मेरे मम्मी पापा को रेंट दिखा करके एचआरए एग्जम्पशन क्लेम कर लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा सर कि ये प्रैक्टिस गलत है, लेकिन आप जरा इस बात को ऐसा समझिए, क्या आप वास्तविक रूप से अपने माता पिता को किराए का भुगतान कर रहे हैं या नहीं कर रहे? होता क्या है सर, लोग किराए का भुगतान वास्तविक रूप से पेरेंट्स को करते नहीं और एचआरए एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। या जिन्होंने एचआरए क्लेम करने के लिए माता पिता को किराए का भुगतान दिखाया उनकी रिटर्न के अंदर कहीं पर भी किराया दिखाया ही नहीं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सर जिसको आप ध्यान रखें। तो माता पिता को किराया भुगतान यदि आपने किया है और आप उनके मकान में रह रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से एचआरए की एग्जम्पशन मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तीसरा प्रश्न,
क्या मैं एचआरए की छूट एवं सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की छूट एक साथ ले सकता हूँ? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की छूट क्या है सर? इनकम टैक्स विभाग कहता है कि आपका एक मकान जिसको आप स्वयं रहते हो, यदि आप उसका कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसिंग लोन आपको माइनस हो जाएगा सैलरी में से। अब आप कह रहे हैं साहब मैं किराए के मकान में भी रह रहा हूं और मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड भी प्रॉपर्टी, दोनों कैसे संभव है? प्रैक्टिकली मुश्किल है, लेकिन उदाहरण देता हूं। मैं जयपुर का रहने वाला हूं, लेकिन मुझे फॉर टाइमिंग दिल्ली में सर्विस करनी पड़ रही है, तो मैं दिल्ली में किराए का मकान लेकर रह रहा हूं और जयपुर में मेरा परिवार रहता है। जिस मकान में रहता है वो हमारा खुद का है और उसमें हमने होम लोन ले रखा है। तो मैं सर ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के मकान के लिए जो किराया दूंगा उसका तो एचआरए एग्जम्पशन क्लेम कर लूंगा, और जयपुर का मकान जिसमें मेरा परिवार रह रहा है मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाते हुए उसके इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन भी क्लेम कर सकता हूं। तो मेरी ओपिनियन में सर इस तरीके की जेन्युइन सर्कमस्टांसेस में कोई एम्प्लॉई दोनों एग्जम्पशंस यानी दोनों बेनिफिट क्लेम कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सर अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ऐसे करदाता भी एचआरए की छूट का लाभ ले सकते हैं जिन्हें एचआरए के नाम पर कोई भत्ता नहीं मिलता? मैंने पहले बोला था सर एचआरए एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए आपको किराए के मकान में रहना है और एचआरए मिलना है। अब किसी को मान लीजिए सैलरी तो मिलती है पर उसमें एचआरए नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो सर इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 80JJ है, वो कह रहा है 5,000 रुपए प्रतिमाह या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम या 25% ऑफ इनकम विच एवर इज लेस, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80JJ, यानी मैक्सिमम आपको 60,000 रुपए का डिडक्शन मिल सकता है। यदि आपको एचआरए नहीं भी मिलता और आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको सेक्शन 80JJ का डिडक्शन निश्चित रूप से मिलेगा। एक और प्रश्न, क्या एक सेल्फ एम्प्लॉयड करदाता भी एचआरए की एग्जम्पशन का लाभ उठा सकता है? मेरा फिर आंसर है सर जैसा मैंने ऊपर कहा, मान लीजिए आई एम अ प्रैक्टिशनर चार्टर अकाउंटेंट और मुझे अभी किराए के मकान में रहना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं भी सर 80JJ का डिडक्शन निश्चित रूप से क्लेम कर सकता हूं। इससे मेरे दिमाग में एक और बात आई, मैं रहता तो हूं अपने खुद के मकान में और मैंने ऑफिस बना रखा है रेंटेड प्रीमाइजेज में, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं सोचता हूं क्या मैं 80JJ क्लेम कर लूं? नहीं सर, 80JJ आपके रेजिडेंशियल पर्पजेस के मकान पे मिलेगी, एचआरए एग्जम्पशन भी रेजिडेंशियल पर्पजेस के मकान में ही मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। क्या एचआरए छूट क्लेम करने की कोई अधिकतम सीमा है? सर मैंने आपके साथ जो फॉर्मूला डिस्कस किया है आप उस फॉर्मूले में तीन तीन फिगर डालेंगे, जो भी मिनिमम आएगा वही एचआरए एग्जम्पशन है, कोई मैक्सिमम कैपिंग नहीं है कि आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख का एचआरए एग्जम्पशन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, तो ये बात यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए सर मेरा अगला प्रश्न है, क्या किराए का भुगतान करते समय टीडीएस काटना है? ये कहां से प्रश्न आया सर? मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं और आप किराए का भुगतान कर रहे हैं तो प्रश्न आपके सामने आ सकता है, साहब मैं तो 10,000 20,000 रुपए किराया दे रहा हूं, इतना मोटा किराया जा रहा है, क्या मुझे टीडीएस तो नहीं काटना अपने लैंडलॉर्ड का? आंसर है नहीं, लेकिन एक सेक्शन 194IB इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लेकर के आए बजट 2017 से, यानी फिनेंस एक्ट 2017 से, और उससे व्यवस्था करी कि यदि आप 50,000 रुपए से ज्यादा का किराया प्रतिमाह दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको साल में एक बार टीडीएस काटना है एट द रेट 5%। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति मेरी वीडियो सुन रहा है जो 50,000 रुपए से अधिक का किराया दे रहा है एक माह के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को सर निश्चित रूप से टीडीएस काटना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड का। इसी प्रकार से सर क्या एचआरए एग्जम्पशन हेतु मकान मालिक का पैन नंबर देना आवश्यक है? बिल्कुल सर, एचआरए एग्जम्पशन हेतु मकान मालिक का पैन नंबर होना चाहिए, यदि एम्प्लॉयर मांगेगा तो आपको सबमिट करना है। अब यहां एक दिक्कत आती है कि एम्प्लॉयर के पास पैन नंबर ही नहीं है, यदि पैन नंबर नहीं है तो वो फॉर्म 60 फिलअप करके दे, अन्यथा मकान मालिक को सर पैन नंबर देना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयर मांगेगा तो। क्या को शेयरिंग में भुगतान किए गए किराए की एग्जम्पशन क्लेम की जा सकती है? को शेयरिंग का मतलब क्या है सर जरा समझिए, कि तीन प्रोफेशनल्स यहां से जयपुर से बॉम्बे गए और उन्होंने 30,000 रुपये में एक फ्लैट लिया जिसको ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पर वो लोग रहते हैं, तीनों ही एम्प्लॉय बन गए वहां जाकर के, अब तीनों 10-10 हज़ार रुपये प्रतिमाह किराया दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आया कि उन्होंने मेरे से बोला भाटिया जी हम 10-10 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं क्या हमें एचआरए एग्जम्पशन मिलेगी? तो मेरा आंसर बिल्कुल मिलेगी सर,
पर आपको ये बताना पड़ेगा कि किराया नामा आप तीनों के नाम है और आप तीनों अपने अपने हिस्से के किराए का भुगतान कर रहे हैं। यदि आप ये चीज सिद्ध कर सकते हैं तो निश्चित रूप से को शेयरिंग में भुगतान किए गए किराए की एग्जम्पशन क्लेम की जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अंत में दोस्तों, मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए, मेरा उत्साह वर्धन करते रहने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार से नए नए टॉपिक आपके सामने लेकर के आता रहूं, और आपको भी यदि किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई संशय हो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से अपनी ओर से भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी किसी क्वेरी का जवाब दे पाऊं। और साथ ही साथ मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा जटिल विषय है सर कि इसके अंदर डेली नई नई क्वेरीज जनरेट होती हैं, तो आप सर सावधान होकर के अपने कंसल्टेंट से सलाह लेकर के किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करेंगे तो वो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गुपचुप में कर लेते हैं, सोचते कौन देख रहा है, सरकार की बहुत तगड़ी नजर सर आज की डेट में करदाताओं पर है। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा, केवल आपको इतना कह रहा हूं, आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इनकम टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें, वो आपको सही सलाह देगा कि आपको उस ट्रांजेक्शन को कैसा करना चाहिए ताकि आप भविष्य में किसी प्रकार की गलत इनकम टैक्स कार्यवाही का शिकार ना हो। तो आज के लिए सर मैं यही धन्यवाद करता हूं, और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।